रही है ट्रैफिक, ये हमें मूवी तक नहीं पहुंचने दे रहे यार। यह है अपना काशीपुर, सुगाइज कुछ ऐसा इंटरफेस है यहाँ पे मॉल के बाहर, जो मार्केट है यहाँ पे कपड़ों की। फिर उसके बाद हमारा ये है SRS मॉल। तो ये लगा भाई एनिमल का पोस्टर। तो यार हम वेरी लेट हो चुके हैं, इसलिए बाद में दिखाता हूँ सारा कुछ। शाहरुख तुम्हारा भाई आ चुका है एनिमल मूवी देखने, मेरे साथ कौन है मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हेलो गाइस, क्योंकि भाई पिछली बार मेरी वीडियो में कोई और था, मेरा भाई था। अब मैं इस टाइम यहाँ पर रामनगर उत्तराखंड में आया हूँ अपने घर पे, जहाँ मेरा होम टाउन है। तो यहाँ पर आया हूँ मैं आजकल, ठीक है, भाई की शादी के लिए आया था। तो फाइनली क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, और हम निकले थे अपने देखते हैं 11:28 में वहाँ से निकले थे, और अब टाइम कितना हो रहा है उल्टा दिख रहा है, टाइम दिखा रहा कितना हो रहा है 11:57 हो गया है, ठीक है। अब तुम लगा लो सब 25 किलोमीटर का एरिया है वहाँ से, हमारे वहाँ से ना जल्दी इतनी स्पीड में लेके आया ना कि मेरे आँख से आंसू आ गए थे। देख ले कौन कौन सीट खाली है इस टाइम। मैंने ऑनलाइन टिकट भी बुक नहीं करी यार। मैम दो एनिमल नीला वाला हुआ। चलो भाई, चलो भाई आज ब्लू वाला मिला है हमें, और ना हमारी तमन्ना रेड वाली रहती है हमेशा। इसका इंतजार रहेगा, चले लेट्स गो। पिक्चर का टिकट थोड़ी पीको वर्जन है। बाकी मूवी का इंटरवल हो चुका है भाई साहब। मूवी भाई क्या बताऊँ तुम्हें, तो क्या चीज़ बना दी भाई इन्होंने, मैं बता नहीं सकता यार, इतनी खतरनाक मूवी है ना भाई, मुझे नहीं पता भाई। देखो भाई मूवी कैसे दिया कि भाई मूवी देखो, अगर तुमने इसका थिएटर एक्सपीरियंस मिस कर दिया ना भाई साहब, मजाक नहीं भाई। तो शाहरुख भाई क्या अच्छा लगा मूवी में आपको? स्टोरी जो है मतलब एक अलग लेवल पर है, और जो एक्शन है भाई उसका तो लाजवाब, बेस्ट है मतलब बेस्ट। वैसे अभी तक जो इंटरवल से पहले आपको क्या क्या सीन अच्छे लगे इसमें? मुझे एक तो वो गन वाला जो लास्ट था इंटरवल से पहले, अच्छा सबसे बेस्ट बोला था। उसके बाद आए आए रोमांस का तो पूछो ही मत, भर भर के इसमें भर भर यार मुझे उन बच्चों के लिए बहुत दुख, बगल में लड़की बैठी है आए आए मुझे सारा मुझे जलन हो रही तेरे से साले। और ये मूवी इतनी प्यारी है ना समझो भाई, आपको ना इसमें बोर होने का मौका ही नहीं मिलेगा, हर कुछ मिनट में तुम्हें कुछ दिखता ही रहेगा, दिखता रहेगा, मतलब कि क्रेजी सीन दिखते रहेंगे सारे के सारे आपके पास में। कुछ इस तरह का माहौल है, डंकी भी आ रही है,
बाकी तो भाई हम सलार का वैसे वेट कर रहा हूँ। बाकी मैं ओवरऑल बात करूँ, मुझे सारी चीज़ें पसंद आई अभी तो इंटरवल से ना पूरे क्रेजी में। बाकी जो कॉलेज रैंकिंग वाला सीन होता है ना भाई साहब, आपको बता नहीं सकता वो सीन देखना होता है। वो सीन है ना रील पे आजकल ना इंस्टाग्राम पर रील पे ना वही चल रहा है, वही सीन चल रहा है। वो सीन ने ना भाई साहब दिमाग खराब कर रखा था कि भाई मूवी देखनी है। भाई फाइनली हम पहुँच गए यार मूवी देखने। बाकी जो मेरा फ्रेंड है शाहरुख वो सारा पहले पहुँच गया, कह रहा मैं मूवी एक मिनट भी मिस नहीं कर सकता। जब जब लगते हैं चार चार तब तब जुबान पे आता है हमारा नाम, हर दिल भी को हर घर भी को। किसी के चेहरे की शान हमसे है, किसी के लेरा के बालों की जान हमसे है, किसी के कोमल स्पर्श की ये मैं आपको देखिया मुझको बुरा ना कोई। अगर आप लोगों ने ये मूवी मिस कर दी ना यार, तुमने थिएटर का एक्सपीरियंस मिस कर दिया ना, तो हमने यार सब कुछ मिस कर दिया। मतलब सब समझो यार, इतनी क्रेजी मूवी और इतनी खतरनाक मूवी है ना, तो बता नहीं सकता यार। एक बार ये मूवी एक बार आओ और ये मूवी जरूर देखी भाई, मैं तो इतना कह रहा हूँ। अरे शाहरुख एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन। नहीं कह सकता, लास्ट में तो देख अपने आप से ही लड़ेगा वो। जबरदस्त मूवी यार, कुछ नहीं अलग ही लेवल पे, मतलब शब्द नहीं है शब्द, इतना सस्पेंस बढ़ा है मूवी में। बाय बाय की गद्दारी। तो गाइस फाइनली हमने मूवी देख ली है एनिमल। तो भाई यार क्या खतरनाक मूवी बना दी भाई इन्होंने। भाई इन लोगों ने गलत ले लिया उन्होंने बॉलीवुड वालों को। बॉलीवुड ने भाई जो ऐसा कर रहे हैं ना स्टैंड भाई सर बताएंगे यार, आग लगा रखी है उस टाइम बॉलीवुड वालों ने भी। बॉलीवुड वाले भाई किसी से कम नहीं है भाई सर। तो भाई यार क्या मूवी बना दी यार, मैं बता नहीं सकता यार आपको। इतने खतरनाक एक्शन है इसमें, इतना खतरनाक भाई का। भाई हम चलते हैं ना मूवी देख लिया, बड़ी कैंट मूवी यार, अत करा दी भरावा ने, बहुत कैंट मूवी यार, बहुत ज़्यादा। जल्दी सो गाइस फाइनली हमने मूवी तो देख ही लिया, तो हम भी वही घर वाला आ चुके थे, तो रेस्ट वेस्ट करा। तो उसके बाद हम भाई की शॉप पे आ गए, शाहरुख भाई की शॉप पे, इसकी शॉप भी है जिसको पता नहीं होगा बता देता हूँ। और बाकी मैं बता दूँ आपको, जो जो इस मूवी को देखने आता है ना भाई साहब फैमिली और गर्लफ्रेंड के साथ, तो बताना फैमिली के साथ तो सीन देखने लायक है नहीं, और ऊपर से जो गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड आपको जाकर गर्लफ्रेंड आपसे शक करेगी कि कहीं शादी के बाद मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा तो नहीं करेगा ऐसी हरकतें जैसी मूवी में रणबीर कपूर ने करी हैं। तो दोनों को ले आना, अवॉइड करना ठीक है, ऐसे नहीं सभी ऐसे तो अवॉइड करना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।